तो अभी हमारे साथ हैं मनीष शर्मा सर, और अभी हम सर से जानना चाह रहे हैं कि अभी जैसे सिर्फ 2 महीने रह गए हैं नीट के एग्ज़ाम में, लगभग 2 महीने, तो सर आप क्या टिप्स देना चाह रहे हैं नीट 2023 के स्टूडेंट्स को फिजिक्स के रिगार्डिंग? सर, नीट के जो बच्चे हैं, एग्ज़ाम आने वाला है और बिल्कुल हाई टाइम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ टॉपिक लगता है, और टफ है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें और इसको किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स तक लेकर जाएं, वो समझने जैसा है। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहली टिप तो ये है कि फिजिक्स से जो तुम्हें डर लगता है, वो डर एक तरह से देखा जाए तो लाजमी है, पर तुम भी ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि अगर तुम ऐसी तरह से डरते ही रहे तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो बच्चों, उस डर को निकालना पड़ेगा। डर क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपको टफ लगते हो, जिनको आपने शायद छोड़ रखा हो पूरी तरीके से, और इस वजह से आपको उन टॉपिक्स का डर बन गया है। जैसे हो सकता है रोटेशन, या हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर हम 12th की बात करें। तो अब सबसे पहले एडवाइस तो मेरी तरफ से आपको ये होगी कि आप किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे, एटलीस्ट उसके बेसिक फंडामेंटल जो रिजल्ट्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, उनको आप लिख के याद करेंगे। तो दैट मीन्स आपको एटलीस्ट ये आता होगा कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो फंडामेंटली क्या होता है, और छोटे मोटी चीज़ों में कैसे निकलता है, रिंग का क्या होता है ना भाई, और इट्स लाइक पैरल एक्सेस थ्योरम क्या होती है, ऐसी छोटी बातें आपको जरूर से याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो डर भी थोड़ा सा निकलेगा, और जो एवरेज क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस टॉपिक से, वो आप कर पाएंगे, तो पूरा नुकसान आपको नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं किसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, जो टॉपिक अगर आपने छोड़ दिया तो कम से कम 2 तो कर पाओगे। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो सिलेबस का कोई भी हिस्सा बिल्कुल छोड़ना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छा पसंद हो, न्यूटन लॉ आपको पसंद हो, तो उसमें आप काफी अच्छा एक्सेल करें, ये हो सकता है, पर हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक। दूसरा, आप हर टॉपिक के जो फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को एक A4 साइज पेपर पर लेकर आएंगे, लिखेंगे और याद करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, बेसिक फॉर्मूलोज को लिख लिख कर याद करेंगे, और रोज रिवाइज करेंगे, सो दैट बाय द टाइम आपका एग्जाम आए, वो टॉपिक्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर गए हों, बैठ गए हों, माइंड मैप बन चुका हो, सो दैट जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड मैप से वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा, आप उसको लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ये मेरी तरफ से दूसरी एडवाइस हो सकती है कि आप सभी टॉपिक के जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनको लिख लिख कर याद करें, लगभग लगभग डेली बेसिस पर, तो दैट मीन्स रोज रिवाइज करें। तीसरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर हम 11th और 12th के टॉपिक्स को देखें, एरियाज को देखें, तो 12th का जो एरिया है, वो जो टॉपिक्स हैं, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, करीब 60 से 65% के आसपास क्वेश्चन 12th टॉपिक से होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह से स्किप नहीं कर सकते हैं। NCERT भी एक बार आपको 12th की बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। एंड अगेन, एक एक छोटा छोटा जो एरिया है, जैसे सेमी कंडक्टर हो गया या डिफ्रैक्शन हो गया, उसको आपने समझना चाहिए और उस पर PYQ सॉल्व करने चाहिए। PYQ से आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लगभग लगभग उसी के आसपास क्वेश्चंस आएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बच्चों आपको, नीट का जो पेपर होता है वो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल होता है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अगर आप PYQs का एक अच्छा एनालिसिस कर लें, पिछले कुछ 5-6 सालों के भी क्वेश्चंस का एक बढ़िया एनालिसिस कर लें, तो आप खुद ही समझ जाएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से कितने और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लगभग लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने मिल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको PYQ का एक एनालिसिस भी करना चाहिए, सो दैट जब आप एग्जाम लिखने जाएं तो आपको पहले से ही पता हो कि ये टॉपिक है SHM, इस SHM से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आपको लगभग लगभग वही एग्जाम में दिखेगा भी। तो ये एक और एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, इन एडवाइसेस पर आप काम करें, इनको फॉलो करें, इन पर अमल करें, और देखें कि किस तरह से ये आपके नंबरों को और आपके मार्क्स को बदलते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर।